हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू वीपी एजुकेशन। मैं विकास पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं वीपी एजुकेशन पर। आज हम इस वीडियो में क्लास थर्ड सीबीएसई पैटर्न के मैथ से चैप्टर नंबर 6 से देख रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 6.4। ये चैप्टर आपका फ्रैक्शन से रिलेट करता है, तो हम ढेरों सारे फ्रैक्शन को अच्छे से समझ चुके हैं। अगर आपको कुछ फ्रैक्शन में प्रॉब्लम है तो आप पिछली वीडियो को आप विजिट कर सकते हैं और अच्छे से फ्रैक्शन को समझ सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर अभी नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें और बेल आइकन को भी ऑल पे कर लें, ठीक है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे आपका 6.4 में दिया गया है पहला क्वेश्चन, फाइंड 1/4 ऑफ ईच कलेक्शन एंड कलर इट। देखिए, कुछ बुक में आपके क्वेश्चन इस तरीके से दिए गए होंगे कि फाइंड 1/4, आपको 1/4 फाइंड करके बताना है और उसको कलर कर देना, उसमें रंग भर देना, ठीक है। तो चलिए आइए समझते हैं। कहा गया आपको 1/4 निकालना है। क्या करना है, 1/4 टोटल नंबर आप पे इस फिगर का 1/4 पार्ट कलर करके आपको बताना है, ठीक है। तो चलिए समझिएगा कि 1/4 निकालना है तो टोटल नंबर आप डिनोमिनेटर में कितना बताया जा रहा है, 4। क्या बताया जा रहा है, 4। तो जितने भी फिगर्स आपके ग्रुप में दिए गए हैं उनका आपको 4 सेट बना लेना है, ठीक है। 4 सेट के अकॉर्डिंग यानी 4 ग्रुप्स के अकॉर्डिंग उनको बांट दीजिए बराबर बराबर। तो आपके टोटल कितने फिगर दिए गए थे, आपके टोटल दिए गए थे 12 फिगर। कितने दिए गए थे, टोटल 12 फिगर दिए गए थे। फ्लावर्स एक ही जगह पे दिए गए थे, ऐसे 1 करके, 2 करके, है ना, 3 करके, ऐसे हम बना लेते हैं, रुकिए वन टाइम। सो स्टूडेंट, आप देख सकते हैं आपके बुक में कुछ इस तरीके से सारे के सारे फ्लावर्स एक जगह दिए गए होंगे। अब बोला गया था कि इसमें से 1/4 आपको क्या करना है, कलर इट करके बताना है कि इसमें से इसका चौथाई भाग कितना होगा, ठीक है। तो चौथाई भाग की बात करी जा रही है तो इनमें आपको क्या कर देना है, इसके आपको 4 ग्रुप्स तैयार करने हैं और इक्वल नंबर्स के, ठीक है। तो अगर हम इनमें से 4 ग्रुप जब बनाएंगे तो अगर इसको 3-3 का सेट बना दें तो ये 4 बराबर भागों में क्या हो जाएगा, बट जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 सेट में हमने 1, 2, 3 फ्लावर को रख दिया, सेकंड नंबर में हमने 1, 2, 3 को रख दिया और थर्ड नंबर में भी हमने 1, 2, 3 को रख दिया और यहाँ पे आपका 4 नंबर में 1, 2, 3 हो गया। आप देखिए, काउंट कर लीजिए फ्लावर, क्या हमारे टोटल 12 हो रहे हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और आगे चलें तो 7, 8, 9, 10, 11, 12, हाँ टोटल कितने हो गए, 12 हो गए। हमने इसको 4 बराबर भागों में बांट दिया, ठीक है। तो अब इसका चौथाई भाग बताना है, तो इसका आपका जानते हैं कि प्रत्येक भाग इसका 1/4 में अब डिवाइड हो गया है, ठीक है। ये भी है 1/4 यानी 1, 2, 3 तीनों फिगर मिला के 1/4 है, ये भी 1/4 है, ये भी 1/4 है और ये भी 1/4 है। तो इसमें से आप कोई भी रो वाले फ्लावर को कलर कर दीजिए, इसका 1/4 आपके सामने निकल आया है। तो हमने फर्स्ट सेट को, पहले वाले नंबर के सेट को क्या कर दिया, कलर कर दिया है। तो हमने कहा कि ये आपका 1/4 फ्लावर है, चौथाई भाग है इस टोटल का, ठीक है। तो हम इसको राइट कैसे करेंगे, तो आइए यहां देख सकते हैं इसका सलूशन। आपको राइट करना है इस तरीके से, ईच पार्ट ऑफ द कलेक्शन हैज 3 फ्लावर। हमने ईच पार्ट में यानी प्रत्येक पार्ट में 3-3 का क्या कर लिया, ग्रुप्स बना दिया और सब में क्या है, 3-3 है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अब कैसे हमने इसको 3-3 बनाया, हम क्या किए, टोटल नंबर पार्ट को 4 से डिवाइड कर दिए। तो हमको पता चल गया कि एक एक में आपको 3 ही फ्लावर रखने हैं, तो 12 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। वी से डेट 1/4 ऑफ 12 इज 3। हम कह सकते हैं कि इसका 1/4 जो होगा, 12 का चौथाई भाग कितना कहलाएगा, 3 फ्लावर कहलाएगा, ठीक है। 12 का चौथाई भाग 3 फ्लावर कहलाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसके सेकंड नंबर क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से फिगर आपका दिया गया है और इसमें बोला गया है क्या, बी में फाइंड 1/3 आप कलेक्शन एंड कलर इट। क्या कहा गया है, इस जो भी कलेक्शन यहाँ पे हैं आपके मैंगोस के, इनका क्या करना है, आपको 1/3 फाइंड करके बताना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं जिस तरीके से हमने ये 12 टोटल फ्लावर्स को एक समूह में दिखाया था, वैसे ये मैंगोस का भी क्या है, एक समूह में एक ही जगह पर सारे आपके मैंगोज बने थे, उनमें से आपको देख करके क्या करना है, इसका 1/3 पार्ट निकालना है। तो क्या करेंगे, सेम वही प्रोसेस है, सबसे पहले आपको क्या करने लेना है, इसको सेट वाइज डिवाइड कर देना। यहाँ डिनोमिनेटर में आप देख रहे हैं क्या है, 3 है, तो आपको 3 सेट्स बना लेने हैं इसके और सब में इक्वल नंबर आप मैंगोज होने चाहिए। तो आपके टोटल 18 मैंगोज दिए गए थे, ठीक है। 18 मैंगोज को कहा गया है 1/3 करके बाहर करिए और उसको कलर करिए, ठीक है। 18 आम में से उसका 1/3 पार्ट क्या होगा, उसको कलर करके बाहर करिए। तो क्या करेंगे, इसी 18 को जब हम 3 से डिवाइड कर देंगे तो एक सेट में कितना आएगा वो हमको पता चल जाएगा, ठीक है। तो 18 डिवाइडेड बाई अगर हम 3 कर दें तो क्या आ जाएगा,
थ्री से 18 सिक्स टाइम में डिवाइड होगा, तो यानी इसी आम का जो समूह में आपका आम दिया गया है बुक में उसी को हम सिक्स सिक्स का सेट बना लेंगे तो थ्री सेट आ जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं फर्स्ट सेट में इसमें कितना दिया गया, 1 2 3 4 5 6 सेट दिया गया। ठीक है, अब आगे चलिए सेकंड नंबर में 1 2 3 4 5 6 और थर्ड में भी 1 2 3 4 5 6 आपका ये टोटल 18 है। अब 18 का 1/3 दिखाना था तो हम क्या करेंगे, एक सेट को पूरा कलर कर देंगे। तो कहेंगे सर ये टोटल नंबर ऑफ पार्ट क्या बन जाता है, टोटल नंबर ऑफ पार्ट हमने बताया था ना कि डिनोमिनेटर के प्लेस पर राइट किया जाता है, तो आपका टोटल 18 मैंगोज है तो 18 को डिनोमिनेटर पर, और कलरफुल वाले कितने 1 2 3 4 5 6 हैं तो ये आ गया क्या 6 न्यूमरेटर के प्लेस पर आ गया। ठीक है, और इसको जब हम इसको काट देंगे 6 1 6 6 3 18 तो क्या आया 1/3। तो बताइए इसका 1/3 ही आपको बताना था और हमने 1/3 को क्या कर दिया, फाइंड कर दिया। तो इसको आपको कैसे राइट करना है, इसको आपको राइट करना है ईच पार्ट ऑफ द कलेक्शन हैज 6 मैंगोज। हमको एक पार्ट में क्या रखना है, 6 मैंगोज रखना है। कैसे, 18 डिवाइड बाई 3 कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि 6 रखने हैं। ठीक है, वी सेड एट 1/3 आप 12 इज 12 नहीं, यहाँ पे कितना रहेगा 18 रहेगा। ठीक है बेटा, क्या रहेगा 18, तो हम कहेंगे कि वी सेड एट 1/3 आप 18 इज 6, इसका तिहाई भाग क्या कहलाएगा, 6 मैंगोस कहलाएगा। तो हमने 6 को कलर कर दिया है। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। तो चलिए चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सो स्टूडेंट, ये रहा इसका अगला क्वेश्चन। सी ए बी हमने क्लियर कर लिया। सी में दिया गया है फिल इन द बॉक्सेस, क्या दिया गया, फिल इन द बॉक्सेस, ये जो बॉक्सेस है इसको फिल करना है। हमने फिल कर दिया, आप समझिए इसको कैसे आपको फिल करना। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं दिया गया 1/3 ऑफ 30, क्या दिया गया 1/3 ऑफ 30। सो स्टूडेंट, इसको आप कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ ऑफ का मतलब क्या होता है, ऑफ का मीन्स होता है मल्टीप्लाई, क्या होता है आपका मतलब होता है मल्टीप्लाई, MULTIPLY। ठीक है, मल्टीप्लाई मतलब गुणा होता है, तो इसको आप गुणे के साथ लिखें तो 1/3 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 30 1 के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई के फॉर्म में चला जाएगा, तो यहाँ आपका ये बन जाएगा 30 1 30/3। और इसको जब आप कट करेंगे 3 से 30 को डिवाइड करेंगे, कहेंगे सर 3 1 3 हो जाएगा, यहाँ पे भी 3 1 3 जीरो बचा है तो जीरो इसके साथ आ गया। अब बताइए क्या आ गया, यहाँ पे 10/1 और 1 से 10 को जब डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 10, तो आपका क्या आ गया, ये 30 जो है इसका तिहाई भाग यानी 1/3 क्या कहलाएगा 10 है। क्या है, तिहाई भाग इसका 1/3 पार्ट क्या होगा 10 आएगा। यहाँ से हमने इसको कट करके देखा तो यहाँ पे हम 10 फिल कर देंगे। ठीक है, ऐसे आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी करना है, 40 को 1 से मल्टीप्लाई करा देना है तो 40/5 हो जाएगा, और 5 से जब हम 40 को डिवाइड करेंगे तो 8 टाइम में डिवाइड हो जाएगा, तो इसे यहाँ पे क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया, ऐसे आपको क्वेश्चन नंबर 3 में भी करना है, ऐसे ही आपको क्वेश्चन नंबर 4 में भी करना है। यहाँ पे हमने आपको सलूशन बता दिया कि इस तरीके से करना। ठीक है, तो चलिए चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सो स्टूडेंट, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5 में भी दिया गया है ऐसे ही सेम क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 6 भी दिया गया है, तो सेम टू सेम ऐसे आपको फाइंड करके भर लेना है, कहीं पर रफ पे सॉल्व कर लेंगे और इसके बॉक्स को फिल कर देंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर डी दिया गया है आपका, देख सकते हैं बोला गया रेड दीज प्रॉब्लम्स केयरफुली देन फिल इन द ब्लैंक्स। आपको क्या करना है, जो भी ये प्रॉब्लम्स नीचे दी गई हैं, जो भी सेंटेंसेस, इनको केयरफुली अच्छे से पढ़ना है और पढ़ने के बाद इसके बॉक्स को फिल करना है। बोला गया है आई डिवाइडेड माई केक इन 5 पार्ट्स। एक केक है सपोज दैट आपके पास, इसको हमने टोटल कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया, 5 में, 1 2 3 और यहाँ ये 4 ये 5, 5 पार्ट्स में इसको हमने डिवाइड कर दिया। आई एट 1 पार्ट, और इसका हमने 1 पार्ट मतलब एक टुकड़ा इसमें से ये वाला निकाला और खा लिया। ठीक है, उसके बाद हाउ मच हैव आई ईटन, तो बताइए हमने टोटल कितने भाग इसके खाए हैं। तो कहेंगे सर ये क्या है, इसका एक ही टुकड़ा आपने खाया ना, टोटल नंबर कितना था 5 था, उसमें से हमने एक टुकड़ा निकाल के खा लिया, तो मतलब 1/5 उसका 1/5 पार्ट खा लिया। कोई भी टुकड़ा आप उठाएंगे उस केक का, वो उसका 1/5 ही कहलाएगा। ठीक है, 5 में से हमने एक खा लिया, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा 1/5। समझ में आया, यहाँ आप देख सकते हैं 1/5 इस तरीके से आंसर राइट कर देना है। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है माई मदर गिव माई सिस्टर एंड मी 6 पेंसिल। मेरी माता जो हैं वह मुझे और मेरी बहन को 6 पेंसिल देती हैं। कितनी देती हैं, 6 पेंसिल्स देती हैं। और सी टोल्ड, उन्होंने कहा अस टू डिवाइड देम इक्वली, इसको क्या कर लो बिटवीन आवर सेल्फ्स, कहा गया कि माता ने कहा कि आपस में तुम दोनों इसको आपस में क्या कर लो, बराबर बराबर क्या कर लो, बांट लो। ठीक है, तो
छः पेंसिल टोटल दी थी और मुझे और मेरी बहन को, ठीक है, तो कहा बराबर बराबर बांट लो, तो वी टूक, तो बताइए इन दोनों को कितना मिलेगा। आप कहेंगे सर तीन उसकी बहन को मिल जाएगा और तीन उसे मिल जाएगा जो बोल रही है, तो तीन तीन मिलेगा, तो वी टूक थ्री एच, उन सबको तीन तीन पेंसिलें मिलेंगी, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3 और 4। चलिए प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। माई मदर फिल्ड ए जार विथ मिल्क, माता जो है मेरी मम्मी जो है क्या कर रही है, फिल कर रही हैं, भर रही हैं एक जार किसके द्वारा, मिल्क यानी दूध के द्वारा, ठीक है। सी यूज 2/3 ऑफ द मिल्क, और उन्होंने मिल्क का कितना पार्ट यूज कर लिया, 2/3 पार्ट यूज कर लिया। नाउ द जार इज एम्प्टी, तो बताइए जार कितना खाली है। तो आप देखिए ये जो है एक मान लीजिए जार है, ठीक है, ऐसे जार जानते हैं ना जो कांच का डब्बा होता है, बॉक्स होता है इस तरीके से। तो बोला गया टोटल नंबर ऑफ पार्ट मिल्क का कितना है, तीन है ना, टोटल नंबर ऑफ पार्ट तीन है, मान लीजिए ये 1, 2, 3 है, तो उनमें से उन्होंने उसमें कितना पार्ट भर दिया, 2/3, मतलब दो गोला इसमें से भर दिया है ना, दो गोला इसमें से भर दिया। तो बताइए अब जार अभी खाली कितना रह गया है अभी, क्योंकि एक पार्ट तो उन्होंने नहीं डाला है, तो क्या हो जाएगा, नाउ 1/3 द जार इज एम्प्टी, यानी उसमें से अभी एक पार्ट वाला भाग क्या है, खाली है, समझ में आया, तो 1/3 उसमें से क्या है, खाली है। अगर ये तीसरा वाला पार्ट भी इसमें डाल दिया जाए तो ये जार पूरी तरीके से भर जाएगा, ठीक है। तो लेकिन अभी उसमें टोटल पार्ट दूध में से केवल 2/3 को ही यूज करा गया है, एक नहीं यूज किया गया, तो 1/3 पार्ट क्या है उसका, खाली है, समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया आपका कि माई ब्रदर एट हाफ ए पिज्जा एंड गिव द अदर टू मी, कहा गया कि माई ब्रदर मेरा भाई एट मीन्स खा गया या खा लिया, आफ ए पिज्जा एक पिज्जा का क्या हाफ पार्ट खा लिया, ठीक है, हाफ पार्ट मतलब आधा, एक पिज्जा कोई था ऐसे है ना, पिज्जा जानते हैं ना सबको पसंद है, इसका हाफ पार्ट क्या कर लिया, भाई ने खा लिया, खत्म कर दिया, और बाकी जो अदर बचा हुआ पार्ट था वो मुझे दे दिया, तो बताइए मुझे कितना पार्ट दे दिया। कहेंगे सर मुझे भी तो आधा ही दिया है ना, हिस्सेदारी सही लगा था, मुझे भी आधा दिया, उसने आधा खा लिया और बचा हुआ मुझे दे दिया, तो कितना बचा था, आधा बचा था, तो कहेंगे अदर हाफ टू मी, यानी मुझे भी उसने आधा दिया, ठीक है, समझ में आया। तो इस एक्सरसाइज में टोटल इतने क्वेश्चन थे बेटा, हमने 1 by 1 सबको क्लियर किया, और आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।